हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी बुक से हम देख रहे हैं यूनिट 2 जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। सबसे पहला पॉइंट है, टॉपिक है इसमें हार्डवेयर। तो हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर्स वो कंपोनेंट्स हैं जो कि फिजिकल होते हैं नेचर में, मतलब कि वो टेंजिबल है और उसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में हमें बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कंप्यूटर में उन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी लगते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं इनसाइड या फिर हम बाहर से उसे अटैच भी कर सकते हैं। हार्डवेयर के कई टाइप्स हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेज और साथ ही साथ में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पहले हम इन हार्डवेयर में से पहला पॉइंट देखेंगे, इनपुट डिवाइसेज। तो इनपुट डिवाइसेज वो होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं डाटा कंप्यूटर में फीड करने के लिए। इसके कुछ एग्जाम्पल या हम टाइप्स कह सकते हैं तो है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा एंड डिजिटल बोर्ड। एक एक को हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड एक तरह का इनपुट डिवाइसेज है जो कि फीड करता है टेक्स्ट, कमांड करता है कंप्यूटर को, और इसमें बहुत सारी कीज़ होती है जैसे फंक्शन कीज, और ये वाला पोर्शन कहलाता है मैन कीबोर्ड। ये होती है हमारी न्यूमेरिक की और कुछ होती है हमारी स्पेशल कीज़। इनको मिलाकर बनता है हमारा कंप्लीट कीबोर्ड। कीबोर्ड के पार्ट्स है अल्फा न्यूमेरिक की, मीन्स टाइपिंग कीज़ होती हैं जो कि ए टू जेड और डिजिट्स में 0 to 9 हैं। देन फंक्शन कीज़ जो कि जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये टॉप रो में पाई जाती है F1 से लेकर F12 तक। देन कर्सर की और एरो की, तो ये भी होती है चार टाइप्स की, चारों डायरेक्शन की, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। देन कंट्रोल कीज, तो कंट्रोल, एल्ट, विंडोज़, लोगो की, एस्केप की, ये सारी जो है ये कंट्रोल कीज़ के अंतर्गत आती हैं। देन आता है हमारा माउस जो कि एक छोटा सा डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस है जिसमें हम क्लिक करके चीज़ों को ऑपरेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें एक स्क्रॉलिंग व्हील भी होता है और राइट एंड लेफ्ट टू क्लिकिंग बटन्स होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज़ स्कैनर। तो स्कैनर हमारी इमेजेस को स्कैन करके कंप्यूटर के एक डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में हमें देखने को मिलता है, जिसके स्कैनर के टाइप्स है। एक होता है इमेज का स्कैनर जिसमें फ्लैट बेड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर टू टाइप्स के होते हैं। देन स्पेशल पर्पज स्कैनर्स में OCR, OMR, बारकोड रीडर, MICR, ये अलग अलग प्रकार के स्कैनर्स होते हैं। इसे भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। एक इमेज स्कैनर जिसमें फ्लैट बेड स्कैनर होता है जो इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें कोई भी चीज़ हम ग्लास प्लेट पे रखते हैं जो कि उसको आसानी से जब टॉप कवर करते हैं तो वो स्कैन कर लेता है। देन होता है हैंड हेल्ड, तो हमें हैंड से उससे जिस चीज़ को स्कैन करना है उस पर फहराना पड़ता है जिससे वो स्कैन कर लेता है। देन स्पेशल पर्सन्स OCR मीन्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्नाइजर, जो कि स्पेशल टेक्निक है जो कि स्कैन्ड बिट मैप्स को प्रिंटेड या रिटन टेक्स्ट में हमें देती है। देन OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, और OMR शीट तो सभी ने एग्जाम्स में देखी है, तो उसी को स्कैन करने के लिए जो डिवाइस होता है उसे हम OMR शीट्स कहते हैं। देन बार कोड रीडिंग, तो बार कोड्स रहते हैं उन्हीं को रीड करने के लिए जो मशीन होती है उसे बार कोड रीडिंग मशीन कहते हैं। ये टेक्स्ट या रिटन या प्रिंटेड जो डॉक्यूमेंट्स है प्रोडक्ट पर उन्हें पढ़ने की बारकोड की सहायता से पढ़ने में हेल्प करती है। देन आता है हमारा MICR मीन्स मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कुछ चीज़ों पर मैग्नेटिक, जैसे कि हमारे बैंक के चेक हो गए, उस पर मैग्नेटिक इंक के थ्रू बैंक का चेक नंबर, बैंक नंबर, ब्रांच नंबर, अकाउंट नंबर, कस्टमर की सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है जिसे MICR मशीन के द्वारा पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है हमारा माइक या माइक्रोफोन। तो माइक या माइक्रोफोन इनपुट साउंड को इनपुट करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है उसके थ्रू हम साउंड को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। देन होता है डिजिटल कैमरा, ये इमेजेस को कंप्यूटर में फिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल रहते हैं जिससे हम अलग अलग प्रकार के इमेजेस को रिसीव कर सकते हैं और उसे सेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड जो कि कह सकते हैं डिजिटल वाइट बोर्ड्स
ओके, तो इसका यूज़ किया जाता है ताकि हम बच्चों को कोई भी चीज़ और अच्छे तरीके से समझा पाएँ। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं। अब इसकी हेल्प से हम लर्निंग को बहुत सुटेबल बना सकते हैं। डिजिटल बोर्ड, वाइट बोर्ड पे जो वाइट बोर्ड लगा होता है उसके उसके बैकग्राउंड में ही सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की मदद से चलती हैं। ओके, देन इसके थ्रू हम पेडागोजिकल टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। इससे इंटरेक्टिव टीचिंग हो सकती है, इससे ग्रुप इंटरेक्शन भी बहुत अच्छे से हो पाता है। तो ये सारे इसके एप्लीकेशन हैं हमारे वाइट बोर्ड्स के लिए। तो ये था हमारा इनपुट डिवाइसेस वाला पोर्शन, तो ये कंप्लीट होता है। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।